देखते हैं गाइस, कुछ ना कुछ रास्ता निकल आएगा और हम आपको अपडेट दे देंगे। तो गाइस, जैसा कि हम लोग बोलते हैं, मतलब मिरेकल हैपेंस, मतलब All right, so hi guys, what's up everybody? My name is Ketan Kankari and in case if you are new to my channel, make sure that you hit that red subscribe button and press the bell icon to never miss another update. So आज काफ़ी समय बाद हम फिर से नया वीडियो बना रहे हैं एंड बीच में बहुत दिन से इनएक्टिव था, बट ठीक है अभी। सो आज हम जा रहे हैं एक छोटे से ट्रैक पे एंड अभी फ़िलहाल पहले हम हमारे एक दोस्त के घर जाएंगे एंड उसको पिक करेंगे। तो गाइज, ये है हमारे नासिक के कार्टून नेटवर्क वाले, बिग बॉस वाले, पब्लिसिटी स्टंट वाले मिस्टर प्रणव जगताप। तो सर जी, क्या कहना चाहेंगे, आप कैसे हैं? मैं माता चोलू जो इसमें आया हूं। हम क्या बताए, जान दो छोड़ो इसी बात पे। हमको एक चीज बताओ कि जो नासिक का बेस्ट यूट्यूबर है, तुमको पता है मैं किसकी बात कर रहा हूँ, जो नासिक का बेस्ट व्लॉगर है, वो अब फिर से व्लॉगिंग गेम में आ गया, तो उसके बारे में क्या बोलना चाहोगे? भाई तू रहने दे, हर व्लॉग में यही बोलता है, व्लॉग डाल के तू गायब हो जाता है। चलो इसी बात पे माना तो सही कि मैं नासिक का बेस्ट यूट्यूबर हूँ। लाइक ठोक दो गाइस, लाइक ठोक दो। क्या हुआ प्रणव भाई, जेलस मत फील करो, जान दो। चलो निकलते हैं हम, अभी हम जा रहे हैं रामशेज फोर्ट एंड हेलमेट पहनना जरूरी है। हेलमेट पहन लो प्रणव भाई, सेफ्टी इज ऑलवेज फर्स्ट प्रायोरिटी। तो चलो निकलते हैं, मैं मिलता हूँ वीडियो में आपसे आगे। तो गाइस, यही है वो लोग जो हमेशा वीडियो कॉल पर बिजी रहते हैं, पर क्या कर सकते हैं। ठीक है, रनाओ जलील करना शुरू ही रख, जलील करना। तुम जरा वीडियो कॉल छोड़ के थोड़ा दोस्तों से भी बात कर लो, जरा दोस्तों से भी बात कर लो। जाने दो भाई, नहीं नहीं, तुम्हारी तो आदत ही है, सुबह पहले तुमने लेट कर दिया, फिर उसके बाद तुम्हारे चक्कर में हमारा चाय नाश्ता छूट गया। तो भाई, एक भी होटल पूरे रास्ते पर हमें खुली नहीं मिली है, तो ये प्रूफ नहीं है कि मैंने लेट किया। मेरा अगर क्या होटल दिखता है तेरे को, मैं तेरे चक्कर में जल्दी निकला, तेरे चक्कर में मैं जल्दी निकला। और उसकी एक बात बताओ, पहले तो ये आदमी मुझे 6:30 बजे कॉल करके बोलता है कि थोड़ा व्लॉग करना है, और लेके आता है मुझे 7 बजे रामशेष पे बोल के। जान दो छोड़ो, चाय पीते हैं, बड़ा पाव खाते। ठीक है, चल रखता। तर मित्रांनो, आता आपण रामशेषच्या बेसवर पोहोचलेलो आहोत। तिकड आपण आपली दुचाकी गाडी पार्क केलेली आहे, लावलेली आहे, आणि इकडे आपले प्रणव भाऊ स्वतः एक कुत्र्या असून दुसऱ्या कुत्र्यांना प्रेम दाखवत आहे। चांगली गोष्ट आहे, चांगली गोष्ट आहे, आपल्या कुत्र्यांना आपण प्रेम दाखवावं। आता इथून पुढून आपला ट्रेक सुरू होतो, असा काही रस्ता आहे, अशक्य सुंदर असा रस्ता आपल्या समोर आहे, फक्त पाय चिखलात नको भिजायला, म्हणून आपण चांगले बूट घालून आलेलो आहोत आणि चला सुरू करूया। मैं कितना खुश नसीब हूँ जो पहला मेरा बारिश का ट्रैक है, आणि कोणा सोबत करतोय मी, नाशिकचा बेस्ट ब्लॉगर असं त्याला वाटतं त्याच्या सोबत। फॅन्स प्लीज, फॅन्स, बाहुबली साम्राज्यम, ना show some love in the comment box, bam, Pranav Jagtap fan cutter OP, fuck you। तो गाइस, अगर तुम हमको आलसी निकम्मा ढीठ व्लॉगर समझते हो जो बिल्कुल मेहनत नहीं करता, तो जरा एक बार ये देखो। This is damn risky, man. Still, I am doing it. इसी बात पे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए एंड शेयर कीजिए। गाइस, ये ऐसा कुछ रास्ता अभी हम चढ़ के आए, और
ऐसा कुछ अभी हमको चढ़ के जाना है, ये पूरा क्रॉल करना है, मतलब ऑलमोस्ट 60 से 70 डिग्रीज का ये स्टीप क्लाइंब होगा। एंड हार्ड लगे, मतलब लगा नहीं था मुझे कि ये इतना हार्ड होगा। हाँ रास्ता, क्या बात कर रहा है, फक शायद से हम लोग रास्ता भटक गए क्योंकि ऊपर से वही रास्ता नीचे लेके जा रहा है। तो गाइज यहाँ से हम अभी ऊपर आए एंड यहाँ पे ये एक रास्ता दिख रहा है, पर ये रास्ता हमको फिर से नीचे की ओर लेके जा रहा है। एंड वहाँ पे ऊपर स्टेयर्स दिख रहे हैं और वो स्टेयर्स तक जाने का रास्ता ही नहीं है, मतलब यहाँ पे सिर्फ रॉकी पैच है और वो रॉकी पैच भी मतलब पूरा स्लिपरी है, उसके ऊपर पूरा एलगा आ चुका है। तो अभी हमको समझ नहीं आ रहा कि हम करें क्या। भाई इधर कोई मिलेगा भी नहीं यार, कोई दिख भी नहीं रहा है कि कोई गाइड कर दे। एंड ये है भी बहुत स्टीप क्लाइम, देखते हैं गाइस कुछ ना कुछ रास्ता निकल आएगा और हम आपको अपडेट दे देंगे कि हम पूरा ऊपर तक जाते हैं या यहीं से हम हमारी वापसी करते हैं। भाई क्या कर रहे हैं भाई, तेरे इंश्योरेंस का छोड़, ये मेरा इंश्योरेंस है या नहीं पता नहीं। नंबर कहाँ से निकालू उसका, नंबर कहाँ से निकालू भाई, मैं बोल रहा हूँ जाते यही से वापसी करते। Yes. बहुत underestimate किया इसको मैंने, I'm sorry for that. तो guys, जैसा कि हम लोग बोलते हैं, मतलब miracle happens, मतलब आप एकदम सब छोड़ देते हो कि भाई पता नहीं मतलब अभी क्या होगा। हमारी तो नीचे उतरने के लिए भी फट रही थी एंड उतने में मतलब अचानक से एक अंकल आए, वो इधर ऊपर यहीं पे मतलब मंदिर है तो वो मंदिर में जा रहे थे एंड एकदम मतलब वो बोलते हैं ना भगवान जैसे प्रकट हुए। एंड उसके बाद मतलब हमको समझ में नहीं आ रहा था कैसे चढ़े क्या, उन्होंने मतलब कितना ढंग के 5 मिनट लगाया होगा और हम दोनों को ऊपर चढ़ा दिया। हम लोग ने आधा घंटा एक स्टेप डालने को लगाया, उन्होंने हमें 5 मिनट में पूरे टॉप पे लेके, मतलब हम उधर पूरा टाइम वेस्ट करते बैठे सब कुछ, एंड में शूज लेके वो चप्पल में चढ़ गए। सबसे मेन तो भाई वही, मतलब एंड में हम लिटिट नीचे जाने वाले थे और एक दो स्टेप मतलब नीचे भी उतरे रहेंगे और उसके बाद वो इतना स्टीप था कि समझ में भी नहीं आ रहा कि नीचे कैसे उतरे या क्या करें। एकदम एंड मोमेंट पे भाई वो अंकल ने आके हमको ऊपर चढ़ा दिया एंड फाइनली नाउ आई कैन शो यू दिस व्लॉग कि हम फाइनली चढ़ चुके हैं। यहाँ से देखो आप, ये है वो फोर्ट का थोड़ा बहुत व्यू एंड यहाँ से मतलब ये दूसरे दरवाजे थे ऊपर के, पर ये सब अभी बंद कर दिए है। यही पे मतलब वो नीचे एक मंदिर है तो यस वी आर फाइनली अप। तो ठीक है, आगे मिलता हूँ आपसे, विदा लेता हूँ अभी। सुरक्षित रहिए, सतर्क रहे और देखते रहिए केतन कांकरिया व्लॉग्स।